चार दोस्तों ये है फियोकी का ऑफिशियल ट्रैप ब्लू वाला 7.5 नंबर, और ये कुछ फोकोनेट हैं। हम क्लोज रेंज से DBBL के चौक बोर पे इनका डैमेज देखना चाहेंगे, क्योंकि हमने स्लग भी चला के देख लिया। स्लग में कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता, मामूली होता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें बहुत सारे छर्रे होते हैं तो ये पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। वही देखने के लिए मैं आज प्रयास कर रहा हूँ DBBL से किस तरह का डैमेज आता है, और पीछे छर्रे रोकने के लिए एक और कोकोनट है और पीछे पेटी है। देखते हैं DBBL के चौक बोर्ड से कितना डैमेज होता है, पूरा फटता है या केवल छेक होता है। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, हम चौक बोर्ड के अंदर कारतूस डाल रहे हैं और अब फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार। देखते हैं कैसा डैमेज आएगा। सेफ्टी ऑफ, ये फायर हो चुका है। दोस्तों ये देखिए, इसने भी स्लग ज़्यादा काम किया, क्योंकि क्लोज रेंज में छर्रे स्लग की तरह जाते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये इसका छर्रों का एंट्री होल 7.5 नंबर का छर्रा था, और ये छर्रों का एग्जिट पीछे से पूरा एक्सपेंड हुआ है। फिर ये दूसरा नारियल था, ये आप देख सकते हैं दूसरे नारियल को भी इसने डैमेज कर दिया है, क्योंकि हमने ऐसी साइड लगाई थी इस पर डैमेज ना हो। और फिर इसके बाद पीछे पेटी थी, पेटी को पूरा फाड़ दिया, आप देख सकते हैं ये इसका, क्योंकि नीचे से लगा एंट्री और ये इसका एग्जिट, और ये देखिए छर्रे ही कुछ हमें रिकवर हुए हैं, छोटे छोटे छर्रे पड़े हुए हैं, और ये पेटी के अंदर घुसा और पहली मोटी पेटियों के स्टैक को पार कर दिया, और ये पहली पाइपलाइन, दूसरी पाइपलाइन जो है इसके बिल्कुल लास्ट में जा करके रिकवर हुआ, और तीसरी तक कोई डैमेज नहीं है। तो पूरे 2 कोकोनट और मोटी गत्ते की उसका इसने डैमेज दिया है। देखिए अंदर से कितनी बुरी तरीके से डैमेज कर रखा है, और ये आप देख भी सकते हैं सारे छर्रे इसमें रिकवर हो गए, और वैट भी हमें इसमें मिल गई है, अंदर वैट भी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल दूसरी पेटी के लास्ट में ये वैड भी मिल गई है, और काफ़ी अंदर तक बहुत ज़्यादा इसने डैमेज दिया है, और काफ़ी गर्म है, और छर्रे भी आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे छर्रे रिकवर हो गए हैं। धन्यवाद।